सीमा ने तमाम सीमाएं पार कर डाली। एक महिला है, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान का हर मीडिया चैनल, यहाँ तक के बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स भी इस वक्त हिंदुस्तान में इस खातून का इंटरव्यू लेने के लिए बेचैन है। तो भैया मैं अयोध्या जी के आ गया है, पीछे से तो आप लोगों ने बवाल करवा दिया। पाकिस्तान से आई सीमा हमारे साथ है। किसी को तकलीफ हो, मैं इनको भी नहीं छोड़ना चाहती सर। उनसे जब हमारे साथी रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने ये आग्रह किया कि भाई मैं अपनी पर्ची बागेश्वर धाम के सामने मैं लाना चाहती हूँ कि मेरा क्या होगा, उन्हें वो जानना चाहती है। पूरा देश इस समय नजर बैठाए हुआ। देखिए सीमा को लेकर के लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इरफान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान साहब, मानती हूँ मैं गलत आई हूँ, ये साजिश है पबजी की, पर मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। सीमा गुलाम हैदर की बीवी, सिंध से उसका ताल्लुक है, लेकिन अब वो ना पाकिस्तानी रही हैं ना मुसलमान रही हैं। ये बहुत कम ऐसा होता है कि मुसलमान लड़कियां या मुसलमान लड़के वो कोई और मजहब इख्तियार कर लें, हिंदू मजहब इख्तियार कर लें। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेहरमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए। लानत है तुम लोग पे, लानत। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि पबजी लड़कियां भी खेलती हैं, खवातीन भी खेलती हैं, बल्कि चार चार बच्चों वाली खवातीन पबजी खेल रही होती हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि एक पाकिस्तानी वुमेन जो कि अपने चार बच्चों के साथ वाया नेपाल इंडिया जा पहुंची है। मतलब पाकिस्तान से लड़की भगवा दी और हिंदुस्तान ले आए, वाह यार वाह कमाल। तो हिंदुस्तान मीडिया के अंदर ये बलबला चल ही रहा था, सीमा सचिन। अभी बलबला पाकिस्तान में भी पहुंच गया और पाकिस्तानी मुल्लाओं को जब ये बात पता चली कि सीमा ने हिंदुस्तान में जाके हिंदू धर्म अपना लिया और अपने चारों बच्चों को भी ले गई, भाई साहब मुल्लाओं की हवा सरक गई, इनके गुर्दे ना गुर्दे निकल के बाहर आ गए, क्योंकि ये चीज पाकिस्तानी को बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सानिया मिर्जा से शोएब मलिक शादी करे वो बढ़िया है, हिंदुस्तान की बेटी से शादी की है। हसन अली हिंदुस्तान की लड़की से शादी करे, वाह ये तो हिंदुस्तान का जवाई बन गया, बड़ी बग्गियां मारते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी मुस्लिम औरत एक हिंदू लड़के से शादी कर ले और वो हिंदू भी बन जाए तो उससे बड़ी लानती औरत कोई हो ही नहीं सकती। तो ये है पाकिस्तानी मुल्लाओं का दोगलापन, ये सब दोगलापन है और पाकिस्तानियों का भी। तो बिना देर किए चलते हैं पाकिस्तान। अभी खबर ये है कि पाकिस्तान की एक औरत है जो कि अपने चार बच्चों के साथ इंडिया चली गई है, पबजी पे वो गेम पबजी खेलती थी इंडियन लड़के के साथ और उसे प्यार हुआ और वो उसके लिए इंडिया चली गई। ये पबजी की साजिश है, रा की साजिश नहीं है, बल्कि पबजी ने रा से साजिश कर डाली है और वहाँ पे जाके वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से कि मुझे सिटीजनशिप दी जाए। क्या कहेंगे इसके हवाले से, आपने ये खबर सुनी है? नहीं मैंने। ठीक है, अभी ये सुनिए तो क्या कहेंगे? ये सरासर अब मोहब्बत वगैरह उससे तो कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट वगैरह होगा अपने मुल्क से रिस्पेक्ट वगैरह करती है वो तो उसे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, जो है वहाँ जाके हिंदू मजहब भी इख्तियार कर लिया तो इस वक्त ये पूरे हिंदुस्तान की बहू बनी हुई है नाजरीन। सर वो कन्वर्ट हुई है, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो हिंदू मजहब इख्तियार किया है सीमा ने खुशी खुशी जबरदस्त तरीके से, और उन्होंने कहा छोड़े आप बाकी चीजें, बात के पीछे की चीजें पीछे रह गई, कितने की गल कर रहे हो तुम। उन्होंने मजहब इख्तियार किया, अब वो हिंदू हो गई हैं क्या? और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं नहीं ये नहीं ठीक, आप इसके ऊपर क्या कहना नहीं, ये तो बात गलत है। मजहब चेंज करने वाली बात तो ठीक है, वो मोहब्बत तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मजहब चेंज करना ये समझ से बाहर है, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। ठीक है, ये सरासर गलत बात है। क्यों गलत बात है मेरे भाई? जब तुम मुसलमान कोई हिंदू लड़की से शादी करते हो तो पहले उसको इस्लाम में कन्वर्ट करते हो, फिर उसके बाद उससे शादी करते हो, और वो लड़की अगर इस्लाम कबूल करना ना भी चाहे तो भी तुम जबरदस्ती कबूल करवाते हो, और ये तो अपनी मर्जी से हिंदू बनने को तैयार है भाई। इस पे तो किसी ने जोर जबरदस्ती प्रेशर भी नहीं बनाया कि नहीं तू हिंदू बन। अगर एक मुसलमान है वो अपना मजहब चेंज करता है ये समझ से बाहर बात है, अपना मजहब छोड़ के सिर्फ किसी एक बंदे के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, चार बच्चे भी लेगी उनका मजहब भी चेंज कर दिया सब कुछ है, सारी बात है जो माँ करेगी वही वही हो बच्चे करेंगे ना। लेकिन ये चीज जो है ये तो जरा मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, अच्छा उन्होंने जो वहाँ पे जाके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिटीजनशिप दी जाए इंडिया की, और साथ जो यूपी के सीएम है योगी जी उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए, क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या वापस भेज दिया जाएगा, क्या होगा आपके ख्याल में? 50-50 है यार, क्योंकि वो जैसे वो इलीगल वे से गई है, इलीगल प्रॉपर थ्रोट प्रॉपर चैनल नहीं गई, पहले नेपाल से फिर वो इंडिया गई और इंडिया वैसे ही पाकिस्तान से नफरत करता है, खासकर उसके जो पॉलिटिशियन है ना वो तो
आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं होगा। नफरत करता है और दूसरे नंबर पे एक प्यार की मिसाल भी हमारे सामने। इंडिया पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, उसके जो स्टेट है ना ठीक है, वो नफरत करती है, वो तो कहती है वो जितना गंद है ना दिमाग में भरती है अपनी आवाम के, अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान में क्या मोहब्बत की जाती है इंडिया के लिए? हाँ, हिंदुस्तान के सियासतदान नफरत फैलाते हैं और पाकिस्तान के सियासतदान मोहब्बत फैलाते हैं। शहद की नदियाँ बहाते हैं, दूध के सागर बहाते हैं। देख लीजिए आप भी इनके सियासतदानों को। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने एक बार फिर से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। और ये जंग खौफनाक हो सकती है, ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। साले दोगले। हाँ, ये बताएं इंडिया के लोग कैसे हैं, पहले तो ये बताएं। इंडिया के लोग बिल्कुल सही हैं, लेकिन खास करके जो हिंदू है ना, कट्टर हिंदू, वो हमारे सके नहीं। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। ठीक है, किसी सूरत में भी सके नहीं। बहुत बुरा करेंगे वहाँ पे मेरे साथ। क्या लगता है कि आपको बेला उसका बुला रहे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मारी देंगे, हमारा यही सिस्टम चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर सईद। क्या करते हैं आप? सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है, अच्छा। अभी एक खबर सोशल मीडिया पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे बड़ी चल रही है, पाकिस्तान की वुमेन है सीमा हैदर उनका नाम है, अपने चार बच्चों के साथ वो इंडिया जा पहुंची है अपने लवर के पास, वहाँ पे जाके उसने शादी भी की है और प्रॉपर मुसलमान से वो हिंदू हो चुकी है। आपने ये खबर सुनी है पहले? जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसके बारे में वही, जैसे कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेहरमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए। ठीक है, यानी कि सजा मिलनी चाहिए, सजा मिल जाए प्रॉपर तरीके से इसने। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि किसी नॉन मुस्लिम को जब मुस्लिम करते हैं, शादी करते हैं बहुत से मुसलमान, तो फिर क्या उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उसके ऊपर ये कहूँगा कि वो उनको फोर्स नहीं करते। अच्छा, तो इन्होंने आपको कैसे पता कि मतलब वो जो इधर से खुद इंडिया चली गई है नेपाल के थ्रू, तो क्या फोर्स किया होगा उसने? एक्चुअली इस बारे में यही कहा जा सकता है कि हमें इस बारे में प्रॉपर नहीं पता। ठीक है, उसको फोर्स करके बुलाया गया या उधर जाकर उसको फोर्स करके इस पे हिंदुइज्म अपनाने पे फोर्स किया गया। ठीक है, इस चीज़ का प्रॉपर इलम नहीं है, लेकिन हमारा यही ख्याल है कि इसके लिए प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, जो हम सोचते हैं वैसी सजा इसको देनी चाहिए। ठीक है, उधर के जो मीडिया है, इंडिया का मीडिया, वहाँ के रिपोर्टर, वो जब उनके पास पहुँचे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो ये कहती नजर आ रही हैं कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रही हैं, और इसके अलावा यूपी के जो CM हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती नजर आ रही हैं कि हमें यहाँ की इंडिया की यानी कि सिटीजनशिप दी जाए। क्या उन्हें मिलेगी सिटीजनशिप? मेरे ख्याल से इंडिया तो पहले मौके ढूंढता है ऐसे क्या कि पाकिस्तान से कुछ ऐसी अफवाहें उड़े, खबरें आए, लोग आए, उनके बारे में कोई पॉजिटिव नेगेटिविटी पकड़ी जाए। नहीं, तो ये अफवाह तो नहीं है, तो एक हकीकत है। हकीकत है ना, मैं एक बात करूं, अगर हकीकत को मद्देनजर देख के बात की जाए तो वो डेफिनेटली उसको देंगे सिटीजनशिप। देंगे उसको। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपके विचार, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दे के ऊपर, तो वो कमेंट सेक्शन सिर्फ आप ही के लिए है। तो मैं रामलला जी के दर्शन करने गया था अयोध्या, चार दिन वीडियो गए नहीं, तो एल्गोरिथम बिगड़ गया। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।